मार्केट में 10 किस्म के घी मिलते हैं, लेकिन आपको घर के घी की बात किसी भी घी में नहीं मिलेगी। स्वीडन आने के बाद हम लोगों ने शुरू में एक बार घी लिया था जब हमें जरूरत पड़ी थी, लेकिन हमको टेस्ट बिल्कुल भी उसका पसंद नहीं आया। तब से लेकर के अब तक के हम लोग सिर्फ घर में ही घी बना रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 से 20 मिनट में बहुत ही जबरदस्त घी कैसे बनाते हैं। हम जो यूज करेंगे वो रहेगा सॉल्टेड बटर, लेकिन उस सॉल्टेड बटर से कैसे आप अनसॉल्टेड घी बनाते हैं हम आपको ये भी आगे वीडियो में दिखाएंगे। मुझे पर्सनली जो ब्राउन घी होता है, जो ज्यादा सौंधा होता है, वो पसंद है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि घी को सौंधा कैसे बनाया जाए। व्हाइट घी बनाना बहुत आसान है, लेकिन ब्राउन घी में एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज उसको देखते रहिए आप लास्ट तक के। तो घी बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे, हमें चाहिए पहले दो बच्चे, मेरा मतलब है कि हमको चाहिए बटर और पतीला और कढ़ाई। बच्चे लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा था वीडियो बनाने में, तो इन लोग भी आ गए हैं। तो भाई ये है बटर, स्वीडिश में स्मर बोलते हैं, आधा किलो बटर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, खोलो इसको पूरा खोला। हाँ, खोलो। ये मक्खन खाने वाले लोग आ गए हैं। I will cut the butter with my karate. तुमने बटर को ऐसा चंक्स में काट लिया है, इससे बहुत यूनिफॉर्म तरीके से पिघलेगा ये बटर। तो हमने हॉट प्लेट को अब मीडियम आंच पे रखा है, और अब एक के बाद एक इसमें हम लोग बटर डाल देंगे। और पूरा चंक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो बटर है बहुत होमोजेनस तरीके से पिघलेगा। तो थोड़ा बटर वटर जो बच जाता है उसको थोड़ा चाट सकते हैं। यम्मी। तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत चलाना चालू कर दे रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि स्वीडन में सब चीज़ इम्पोर्ट होती है और उस वजह से हर कुछ चीज़ें महंगी होने लगती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बटर यहाँ पर काफ़ी सस्ता है। दूध और बटर काफ़ी ऐसे रेट पर मिलता है जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के आसपास ही रहता है। तो वैसा बीच बीच में अब मैं जो चंक्स है उसको थोड़ा सा काट दे रहा हूँ ताकि प्रोसेस और फास्ट हो जाए। देखिए ऑलरेडी ये दानेदार घी बनना स्टार्ट हो चुका है, इसको हल्का हल्का चलाते रहें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी हालत में आप उसको हाई फ्लेम पर मत रखिए, मीडियम से मीडियम लो, और डिपेंडिंग ऑन योर बर्नर साइज ऑल्सो आप इसको रखिए। ज़्यादा बड़े बर्नर पर मत रखिए, मीडियम बर्नर पर या छोटे बर्नर पर कम आंच पे रखिए इसको। तो ये 5-7 मिनट के बाद आपको ये ऐसा झाग जैसा दिखने लगेगा, इसको चलने दीजिए अभी भी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको घी व्हाइट जैसा चाहिए या फिर ब्राउन घी चाहिए। अगर व्हाइट घी चाहिए तो आपको मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के बीच तक के ही चलाना है, लेकिन अगर आपको ब्राउन घी चाहिए तो आपको थोड़ी देर और चलाना है। अब आपको सौंधे घी बनाने का राज बताते हैं। एक कटोरी में पानी लीजिए। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद आप थोड़ा सा पानी लीजिए कटोरी में, और ले करके ऐसा छीटा मारिए। इससे होगा ये कि अब नीचे में ज़रा घी जो है पकड़ना चालू करेगा, और उसी पकड़ने की वजह से आपको थोड़ा सा ब्राउन टेक्सचर मिलेगा, और उस ब्राउन टेक्सचर की वजह से ही आपको सौंधा घी मिलेगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा मिला कि नहीं। उसके बाद आपको बीच बीच में चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऑलरेडी फील होता रहेगा कि नीचे थोड़ा थोड़ा पकड़ना चालू किया है, तो हर 1 से 2 मिनट में आप इसको ज़रूर चलाते रहिए। तो आपको हल्का सा प्रेशर के साथ नीचे का जो सेडिमेंट है उसको चलाते रहना है, अदरवाइज नीचे बहुत जल्दी चिपक जाएगा और घी ऑलमोस्ट जल जाएगा। और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अब इसको हम बंद कर देंगे, और आप उसके बाद इसके कलर को आप नोटिस कीजिए कि हल्का जैसे ये इसका ये येलोइश कलर रहेगा। तो अभी आप नोटिस कीजिए कि जब शुरू में बन रहा था तो थोड़ा सा येलोइश टेक्सचर था, और हमने इसको होने के मतलब 15 मिनट के बाद लगभग 5 मिनट
ये बर्नर पे ही छोड़ दिया है, तो उसके बाद आप देखेंगे हल्का ये ब्राउनिश हो गया है और ये जो चीज़ है आपको ये टेक्सचर मिलना चाहिए नीचे। ये अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है आपका घी सौंधा बनेगा और ये ही जो ये ब्राउन पार्ट है इसमें ही आपका पूरा नमक रह जाता है और आप जब इसको छलनी से छान लेंगे तो पूरा नमक इसमें चले जाएगा और आपको जो घी मिलेगा वो बिल्कुल बहुत ही कम उसमें सॉल्ट रहेगा और एकदम नेचुरल न्यूट्रल टेस्ट का मिलेगा। तो 5 से 7 एक्स्ट्रा मिनट्स रखने के बाद आप घी को बर्नर से हटा दीजिए और उसको साइड में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। चलिए अब इसको एक साफ जार ले लीजिए और एक साफ छलनी, साफ और ड्राई, और अब हम ये बने हुए घी को इसमें डालते हैं। और ये बचा हुआ ये सारा जो आइटम है इसको भी आप इसमें डाल दीजिए। और अब ये देखिए मैं इसको दबा करके बचा कुचा घी निकाल दे रहा हूँ। अगर आपने अनसॉल्टेड बटर का घी बनाया है तो ये जो चीज़ है आप इसको चाहे तो शक्कर मिला करके यूज कर सकते हैं। सौंधे घी के लिए ये जो हनी जैसा कलर है ये आना बहुत ज़रूरी है। ये ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है, चाहे तो उसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको या तो फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा सा ये हल्का जम जाएगा, उसके बाद उसको निकालना भी बहुत आसान रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स या दोस्तों के साथ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दबाइए उस लाल बटन को और दबाइए उस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।